नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। लोकसभा चुनाव से पहले फेसबुक ने हटाए कांग्रेस से जुड़े 687 पेज। पटना समेत देश के कई रेलवे स्टेशनों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी। LIC सिर्फ 1300 के निवेश पर पाए 62 लाख रुपए। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा से पहले फेसबुक द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस से जुड़े 687 पेज को डिलीट कर दिया गया है। फेसबुक ने यह कार्रवाई शिकायत के बाद की है। इसके साथ ही फेसबुक ने पाकिस्तानी सेना के 113 अकाउंट को भी डिलीट कर दिया। जानकारी के अनुसार फेसबुक ने कहा कि 687 पेज को अप्रामाणिक व्यवहार के कारण हटाए हैं। दुनिया में पहली बार किसी राजनीतिक दल के खिलाफ फेसबुक ने इतना बड़ा कदम उठाया है। ग्लिकर ने कहा कि फेसबुक उनके व्यवहार के आधार पर खातों को हटा रहा है, न कि उनके द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के आधार पर। पिछले कुछ समय से देश में तनाव का माहौल है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान आदि देश के कई जगहों से आतंकवादी गतिविधि में शामिल लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब एक फोन कॉल रेलवे विभाग की नींद उड़ गई है। दरअसल अज्ञात व्यक्ति द्वारा अंबाला में DRM के ऑफिस में कॉल करके देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है। जानकारी के अनुसार यह फोन RPF के हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार करीब 2 बजे के आसपास आया था। अज्ञात युवक ने अंबाला, लुधियाना, जलंधर, पटना और दरभंगा रेलवे स्टेशनों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी है। फिलहाल इस मामले की जाँच हो रही है। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, जिसके बाद सरकार ने कई सारी चीजों के दाम बढ़ाने और घटाए हैं। बीमा पॉलिसी की बात करें तो LIC ने एक ऐसा प्लान लॉन्च किया है जिसके तहत महज 1300 रुपए जमा कर आप 64 लाख की बड़ी राशि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन उमंग इसकी खासियत यह है कि इस पॉलिसी का लाभ 3 महीने के बच्चे से लेकर 55 साल तक की आयु के लोग उठा सकते हैं। साथ ही पॉलिसी होल्डर के निधन के बाद उनके परिजनों को वो राशि दी जाएगी। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।